हेलो दोस्तों नमस्कार, द अमेजिंग रेलवे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 1-2-3-2-3 हावड़ा आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ट्रेन हावड़ा वेस्ट बंगाल से आनंद विहार टर्मिनल उत्तर प्रदेश तक चलती है। इस ट्रेन को ईस्टर्न रेलवे जोन ऑपरेट करती है और इस ट्रेन में LHB रेक यूज होता है, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ही बढ़िया कोच है। ये सुपरफास्ट टाइप का ट्रेन है और इस ट्रेन का हावड़ा से आनंद विहार टर्मिनल तक जो दूरी है वो है 1438 किलोमीटर का, और इस ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर का और एवरेज स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर का। और इस ट्रेन का हावड़ा से आनंद विहार टर्मिनल तक जाने में टाइम लगता है 22 आवर 15 मिनट्स का। और इस ट्रेन का रास्ते में 7 स्टेशन पर हॉल्ट है, और इस ट्रेन में एक फास्ट एसी कम टू टायर एसी, 2 सेकेंड AC, 5 थर्ड AC, 9 स्लीपर क्लास, 2 सेकेंड क्लास और 1 पैंट्री कार का कोच शामिल है। और इस ट्रेन का हावड़ा से आनंद विहार तक जाने में जो कॉस्ट है वो है फास्ट एसी का 4045 रुपीज़, सेकेंड एसी का है 2385 रुपीज़, थर्ड एसी का है 1665 रुपीज़। और इस ट्रेन में फास्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी में बेस फेयर चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज और GST चार्ज शामिल होता है। और स्लीपर क्लास का कॉस्ट है 635 रुपीज़, इसमें बेस फेयर चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होता है। और सेकेंड क्लास का कॉस्ट है 370 रुपीज़, इसमें सिर्फ बेस फेयर चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होता है। तो चलिए इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में जान लेते हैं। ये ट्रेन हावड़ा से हफ्ते में 2 दिन ट्यूजडे और फ्राइडे को शाम के 6:50 पे 9 नंबर प्लेटफॉर्म से छोड़ता है। और इस ट्रेन का जो फास्ट हॉल्ट है वो है आसानसोल जंक्शन, यहाँ पर ये रात के 9:13 पे आता है और 9:18 पे चला है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये ट्रेन झारखंड में एंटर होती है। एंटर होने के बाद इस ट्रेन का जो स्टेशन आता है वो है धनबाद जंक्शन, यहाँ पर ये रात के 10:40 पे आता है और 10:45 पे चला है। पर इसका 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद आता है कोडेरमा जंक्शन, यहाँ पर ये रात के 12:24 पे आता है और 12:27 पे चला है। इसका 3 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये ट्रेन झारखंड छोड़ के बिहार में एंटर होती है। एंटर होने के बाद इसका जो स्टेशन आता है वो है गया जंक्शन, गया में ये रात के 2:05 पे आता है और 2:10 पे चला है। पर इसका 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन में सुबह के 5:05 पे आता है और 5:15 पे चला है। पर इसका 10 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद आता है प्रयागराज जंक्शन, यहाँ पर ये 7:50 पे आता है सुबह के और 7:55 पे चला है। पर इसका 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद आता है इस ट्रेन का सेकंड लास्ट स्टॉपेज वो है कानपुर सेंट्रल, यहाँ पर ये सुबह के 10:22 पे आता है और 10:32 पे चला है। पर इसका 10 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद आता है इस ट्रेन का डेस्टिनेशन वो है आनंद विहार टर्मिनल, यहाँ पर ये शाम के 5:05 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म में अपनी यात्रा सफा कर लेती है और 1438 किलोमीटर का जो डिस्टेंस वो तय कर लेती है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।